हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज वैक्टर स्पेस। और ये लीनियर एल्जेब्रा की सीरीज है। यहाँ पे मैं वेक्टर स्पेस है, देन सब स्पेस है, देन डायमेंशन, बेसिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन मैट्रिसेस है उसके अंदर, फिर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैली-मिल्टन थ्योरम, देन उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन उसके बाद आगे जो डायगोनलाइजेशन है, एंड देन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। ये सब टॉपिक्स मैं आपके साथ वन बाय वन लेके आने वाला हूँ। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक नया चैनल है जहाँ पर मैंने वीडियो स्टार्ट किए हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए। स्टूडेंट, अगर आप लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस आप नए चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे IIT Bara, यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं बात करूँगा वेक्टर स्पेस के बारे में। और जो वेक्टर स्पेस का जो कंसेप्ट होता है ये लीनियर एल्जेब्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और पूरी लीनियर एल्जेब्रा इसी कंसेप्ट से आगे चलती है। पर इससे समझने से पहले आपको यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का आइडिया होना ज़रूरी है कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, देन उसके बाद रिंग की डेफिनेशन है, फील्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैंने इस पर काफ़ी अच्छे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे IDEP पे जाके एक बार ग्रुप थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख लीजिए तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले यहाँ पे होता है इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, राइट। तो ये क्या होता है, लेट वी बी द एनी सेट। देखो, इंटरनल का मतलब होता है एक ही सेट के बारे में बात की जा रही, राइट। देन द मैपिंग एफ वी क्रॉस वी टू वी इज सेट टू बी द इंटरनल कंपोजिशन एंड इट इज कॉल्ड अ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट, यहां पे क्या होता है, दो वेक्टर के अगर हम एलिमेंट लें उनके बीच में ऑपरेशन लगाए तो वापस क्या हो जाना चाहिए, वेक्टर हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे और ये एफ आर क्रॉस आर टू आर जाता है, मतलब दो एलिमेंट अगर आपने यहाँ पे लिए, इन दोनों पे ऑपरेशन लिया तो वापस क्या होगा, ये वेक्टर ही होगा, राइट, है ना। और नॉर्मली यहाँ पे वेक्टर एडिशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट, बात करेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। लेट वी एंड एफ बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे वी और एफ दो, देखो यहाँ पे वी की बात हो रही थी, यहाँ पे दो सेट की बात हो रही है, एक वी हो रहा है और एक एफ हो रहा है ना। तो ये जो एफ होता है ये फील्ड होता है, जो वी होता है ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है, राइट। देन द मैपिंग एफ वी क्रॉस एफ टू वी, है ना, हमारे पास जो मैपिंग जा रही है वो क्या जा रही है, वी क्रॉस एफ टू वी जा रही है, इज सेट टू बी द एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी और एफ, ऑल्सो कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। यहाँ पे जो फील्ड से एक एलिमेंट लेते हैं हम, है ना, अल्फा टाइप का, और वी से हम कोई एक एलिमेंट लेंगे तो अल्टीमेटली इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसको हम बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे हम एक्सेल कंपोजिशन इसको बोलते हैं, क्लियर। सो स्टूडेंट, बात करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। लेट एफ डॉट एफ प्लस डॉट बी द फील्ड, ये एक फील्ड है, द एलिमेंट ऑफ एफ बी कॉल्ड स्केलर। स्टूडेंट, इस फील्ड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं, राइट। लेट वी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, वी एक नॉन एम्प्टी सेट है हुज एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज अ वैक्टर, इसके जितने भी एलिमेंट है उसको हम वैक्टर बोलते हैं। देन वी इज अ वैक्टर स्पेस ओवर एफ। स्टूडेंट, यहाँ पे जो वी होगा वो एफ पे क्या होगा, वैक्टर स्पेस होगा, राइट। ये हमारे इसको इस तरह से लिखा जाता है, राइट, वी और एफ, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, देयर इज अ डिफाइंड इंटरनल कंपोजिशन। यहां पे इंटरनल कंपोजिशन होना चाहिए इन वी कॉल्ड एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स एंड डिनोटेड बाय प्लस, इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, एंड ऑल्सो दिस कंपोजिशन वी इज एन अबेलियन ग्रुप। स्टूडेंट, यहाँ पे हम मैंने बोला कि जो हम इंटरनल कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये जो वैक्टर स्पेस का जो वी का सेट है ये हमेशा प्लस में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। स्टूडेंट, अबेलियन ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अबेलियन, है ना, अबेलियन बोला तो कम्यूटेटिव, राइट। स्टूडेंट, तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, वही तीनों लाइंस है ना। देन यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी, है ना, जीरो आइडेंटिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होती है, इनवर्स वाले। तो टेंशन लेने, सॉरी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे याद करेंगे, अरे भाई एक ही बात है ना, वी प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, समझ जाओ। अबेलियन की सभी प्रॉपर्टीज यहाँ लगानी है ना, क्या, क्लोजर है, देन उसके बाद कम्यूटेटिव है, देन एसोसिएटिव है, देन आइडेंटिटी, एंड देन इनवर्स, क्लियर। और यहाँ पे अल्फा बीटा लेंगे जो वैक्टर्स, मतलब एक ही एलिमेंट, एक ही सेट से एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, है ना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इंटरनल कंपोजिशन लग रहा है, एडिशन, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, देन सेकंड पॉइंट, देयर इज अ एक्सटर्नल कंपोजिशन। स्टूडेंट, एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होगा, वी और फील्ड के एलिमेंट लेंगे ना, और एफ इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड डिनोटेड बाय द मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव दैट इज ए अल्फा बिलोंग्स टू वी,
फॉर ए बिलोंग्स टू एफ, स्टूडेंट यहाँ पे फील्ड का एक एलिमेंट लें और इसके वेक्टर का एक एलिमेंट लें, अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो वो किस में जाना चाहिए, वेक्टर में जाना चाहिए। एंड अदर वर्ड्स वी इज कॉल्ड क्लोज विद रेस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये जो वी है ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम एक एग्जाम्पल प्रूव करेंगे यहाँ पे कि जो क्यू और जेड होता है, क्यू और जेड जो होता है वो कभी भी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होता है ना, तो इसी प्रॉपर्टी से हम प्रूव करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है। तो वे अपन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, खैर आगे बढ़ते हैं। द टू कम्पोजिशन दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, देखो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी थी वी प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो वो खाली प्लस के बारे में थी, राइट, है ना, वेक्टर एडिशन के बारे में थी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो क्या था यहाँ पे, एक्सेल कम्पोजिशन के बारे में थी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या हो रहा, अब यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लीकेशन दोनों कंबाइंड होगा, है ना, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल कम्पोजिशन दोनों एक साथ मिक्स होगा, राइट। सो द टू कंपोनेंट टू कम्पोजिशन दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ द वेक्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा, ये दिस इज बीटा, राइट, हाँ, इन टू ए, है ना, तो ए किस आ रहा है, ये जो ए है ये स्केलर है और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, वैक्टर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, लाइक अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, है ना, या ए प्लस बी अगर फील्ड हमारे पास स्केलर है और अल्फा है तो ये भी क्या होना चाहिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा बी अल्फा हो जाना चाहिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी। अगर हम ए बी अल्फा लें तो क्या होना चाहिए, ए बी अल्फा, इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट, और वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड वन इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ, है ना, जो वन है ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए एफ का, क्लियर है। तो ये सब प्रॉपर्टीज होती है, ये इन दोनों कंपोजिशन का मिक्स होता है ना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, वी प्लस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब हमारे पास जो वेक्टर एडिशन है उस पर सभी प्रॉपर्टी लगेगी। सेकंड जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज विद स्केलर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन होना चाहिए। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें सभी मिक्स प्रोडक्ट है, लाइक वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मिक्स प्रॉपर्टीज लगती है यहाँ पे, है ना, और ये वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, राइट। तो ये सब प्रॉपर्टी मिलकर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर स्पेस बनता है, क्लियर। इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जो वेक्टर स्पेस पे होता है। सबसे पहला एग्जांपल ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एन टपल्स वाला है, ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनता है आर एन ओवर आर, इसको बोलते हैं आर एन ओवर आर, है ना, ये हमेशा क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, इसको बोलते हैं एन टपल वेक्टर स्पेस, है ना, अभी मैं इसका प्रूव करके बताऊंगा, राइट। इसमें अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस कोई एम इंटू एन मैट्रिसेस है, जहाँ पर मैट्रिसेस की जो एलिमेंट है वो रियल नंबर से आ रहे हैं और जो फील्ड है वो हमारे पास आर प्लस डॉट है, तो ये हमेशा वी ओवर एफ क्या होगा, वेक्टर स्पेस होता है, क्लियर है। इसमें अगर हमारे पास पी एक्स कोई पॉलीनोमियल दे रखी है ना, इस टाइप की कोई पॉलीनोमियल है और जिसके पॉलीनोमियल के कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर है, राइट, तो ये हमेशा फील्ड ऑफ रियल नंबर पे क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। इसमें एक और एग्जांपल है, वी अगर हमारे पास एफ मैपिंग दे रखी है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है जो आर टू आर मैपिंग जा रही है, ये भी हमेशा फील्ड ऑफ रियल नंबर पे क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। इसमें सबके प्रूफ है, पर आपको प्रूफ में घुसने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वो भी मैं कराऊंगा, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये सीक्वेंस हमेशा इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है, ए एन बिलोंग्स टू आर, है ना, बी ए सीक्वेंस, है ना, तो ये हमेशा फील्ड ऑफ रियल नंबर पे क्या होता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, राइट। एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस और इट्स सब फील्ड, स्टूडेंट हर जो फील्ड होता है वो हमेशा आप उसके सब फील्ड पे क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, ये समझने की जरूरत है। इसमें जानते हैं जेड बिलोंग्स टू, जेड जो सबसेट होता है वो क्यू का होता है, क्यू जो होता है वो आर का होता है, आर जो होता है वो क्या होता है, सी का होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमेशा सी ओवर आर एक वेक्टर स्पेस होगा, है ना, ये इसका सब फील्ड है ना, हम जानते हैं आर जो होता है वो सब फील्ड होता है सी का, राइट। इसमें सी ओवर क्यू भी हमेशा वेक्टर स्पेस होता है, क्लियर है ना। इसमें आर ओवर क्यू भी हमेशा वेक्टर स्पेस होता है, क्लियर है, ये हमेशा वेक्टर स्पेस होता है। पर स्टूडेंट आगे बताना चाहता हूँ कि जो क्यू ओवर जेड है ये वेक्टर स्पेस नहीं होता है, क्लियर है, मतलब आप बताना चाहें यहाँ पे कि क्यू ओवर जेड जो होता है वो हमेशा वेक्टर स्पेस नहीं होता है, क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं ना, जो यहाँ पे हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला जो कंसेप्ट आता है वो यहाँ पे क्या होता है, गड़बड़ कर जाता है, क्लियर है। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि जेड यहाँ पे क्या होना, फील्ड होना चाहिए, राइट, तो जेड यहाँ पे फील्ड नहीं होता है तो वैसे भी ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, हम इसको भी समझ सकते हैं। और वैसे भी यहाँ देखा जाए तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर है, इस वजह से भी ये फील्ड नहीं होता, और फील्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये कंसेप्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे एक और कुछ कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा रखा है, यहाँ पे देखिए आप ये वाला स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है आर और क्यू वेक्टर स्पेस होता है, क्यू रूट टू और क्यू इस वेक्टर स्पेस होता है, सी और आर वेक्टर स्पेस होता है, तो लाइक दिस आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस, क्लियर। इसमें कुछ एग्जांपल है, अब एग्जाम में अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन ये प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो भाई इतना बड़ा प्रूफ करने थोड़ी बैठेंगे हम, कुछ सिंपल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को पता लगा सकते हैं कि यार वेक्टर स्पेस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चेक वेदर द वेक्टर स्पेस दिस और नॉट, आपसे पूछा जा रहा है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, क्लियर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमें दे रखा है टू एक्स थ्री वाई क्यूब एंड फोर जेड स्क्वायर, क्लियर है, हम देख रहे हैं
201 है ना, 201 स्टूडेंट, 2 यहां रख रहे हैं तो 4, और ये 1 यहां रख रहे हैं तो 4 माइनस 4 0, मतलब ये इसके अंदर जा रहा है, क्लियर है, क्योंकि सेटिस्फाई करना, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके अंदर जाएगा, राइट। तो यहां पे देखो 802 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। अब ये भी वेक्टर में है और ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर एडिशन क्या होना चाहिए, क्लोज होता है। अगर ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो हम इसको कंपोनेंट वाइज सम करते हैं, राइट। तो हम जानते हैं 8 + 2 = 10 हो जाएगा, 0 + 0 = 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो ये भी वेक्टर होना चाहिए, मतलब ये भी इस कंडीशन, ये भी इसको क्या करना चाहिए, जीरो करना चाहिए। पर देखो भैया ये 10 0 3 रखने पर ये -36 आ रहा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडिटिव वेक्टर्स दिस 0, 10, 0, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू वी, देयरफॉर सेट वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। इसमें सेकंड एग्जांपल देखिए, आप क्या बोल रहा है, चेक वेदर द सेट वी दिस ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो सुन देखिए यहाँ पे गिवन v इज इक्वल टू ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, तो वही सेम एग्जाम्पल लेंगे। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, बिलोंग्स टू ए है ना, ये बिलोंग्स टू ए है ना। तो इसमें यहाँ पे 1 1 2 देखो 1 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो कर रहा है। इसमें 2 5 0 भी इसको क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है ना। द 2 - 5 और सी जीरो, जीरो हो जाएगा, राइट। पर आप देखो इन दोनों का जो सम है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है, 3 6 2 आ रहा है ना। तो 3 6 2 इसको क्या कर रहा है, जीरो नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये बराबर जीरो नहीं हो रहा। सो देयरफॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्लियर है, ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम 3 क्या, बड़ा ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एन टपल्स ऑफ अ द एलिमेंट ऑफ एनी फील्ड एफ इज अ वैक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये जो एन टपल वाला जो हमारे पास होता है ये हमेशा क्या होता है, वैक्टर स्पेस ओवर एफ होता है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कुल मिला के आपको ये प्रूव करना है कि जो वी प्लस होगा वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वैक्टर एडिशन की जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज है वो आप चेक करेंगे, तो उससे हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो लेट एफ बी द फील्ड एंड और ऑर्डर सेट ऑफ ऑल एन टपल्स। एन टपल्स का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पर a1, a2, an इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, है ना, ठीक है। जैसे a1 a2 है तो वो 2 टपल्स हो जाएगी, यहाँ पे n टपल्स हो रहा है, इसको n टपल और f, एंड द सेट ऑफ ऑल दीज n टपल्स और फील्ड f विल डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ना, vnf या vn से डिनोट करते हैं। लेट अस डिफाइन द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इक्वलिटी ऑफ द n टपल एज फॉलोस। हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे पास दो वेक्टर है अल्फा और बीटा, ये ऐसा अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है ना, a1 a2 ये अल्फा और ये बीटा है, तो हम कैसे इसको ऐड करेंगे, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएगा, है ना, पहला पहले से ऐड होगा, है ना। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, पहला पहले से ऐड होगा, है ना, दूसरा दूसरे से ऐड होगा, कंपोनेंट वाइज ऐड होता है ना। तो ये तो इसका क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। अब ये होता है ना, और हम जानते हैं ये भी चूंकि दो वेक्टर है तो दोनों का सम भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है, तो vn ऑफ में जाएगा, हैज द vnf इज अ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। अब स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेंगे, है ना, एक हम क्या लेंगे यहाँ पे स्केलर लेंगे और एक हम वेक्टर लेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, ये वेक्टर ले लेते हैं और एक a, f एक बिलोंग्स टू f हमने क्या ले लिया, एक स्केलर ले लिया। तो इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और हम जानते हैं ये भी फिर क्या आएगा, स्केलर ये भी हमारा वेक्टर होता है, ये भी हमारा वेक्टर होता है, ये पूरा फिर हमारा एन टपल क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। हम जानते हैं ये सब एलिमेंट ऑल आर एलिमेंट ऑफ एफ, राइट। हैंस द वीएनएफ इज अ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, राइट, है ना। नाउ इक्वलिटी ऑफ एन टपल्स, अब इक्वलिटी ऑफ एन टपल्स क्या होता है, या टू एन टपल्स, है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ दे रखा है अल्फा, ये दे रखा है एंड बीटा, ये दे रखा है, राइट। तो हम जानते हैं इस सेट टू बी इक्वल, कैसे इक्वल, अगर ये एलिमेंट वाइज सभी क्या हो इसके इक्वल हो, है ना, a1 b1 के बराबर हो जाए, a2 b2 के बराबर, इस टाइप से होता है ना। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले vnf जो है वो अबेलियन ग्रुप है कि नहीं एडिशन में। तो देखो यार मैं बताना चाहता हूँ vn प्लस जो होता है वो हमेशा अबेलियन ग्रुप बनेगा, और आप देखो n टपल ले लो यहाँ पे, अल्फा बीटा एंड गामा तीन आपने ले लिया यहाँ पे। अब हम जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहले इन दोनों को पहले ऐड कर ले या इन दोनों को बाद में ऐड कर ले, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। पहले इन दोनों बीटा और गामा को ले लो, है ना, बीटा और गामा के बाद फिर अल्फा को प्लस करो, है ना। तो प्लस करेंगे तो आप ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे। इसमें इन सब के एलिमेंट को हम वापस इधर भी ऐसा भी कर सकते हैं, तो लाइक ये पूरा बन जाएगा, तो ये इजीली इसको यहाँ पे एसोसिएटिव हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, ये तो एसोसिएटिव हो जाएगा। इसमें बात करते हैं कम्युनिटी फॉर एडिशन। तो दो अल्फा प्लस बीटा है, इन दोनों दो अगर एन टपल्स को लूँ मैं, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इनको आप a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 आ गए, इस तरह से आ गया। अगर मैं a1 प्लस b1 को b1 प्लस a1 कर दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, तो ये वापस बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, राइट। तो ये एसोसिएटिव हो जाए, मतलब हमारे पास कम्युनिटिव हो जाएगा, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अबेलियन ग्रुप, ये तो हो ही गया हमारे पास ना, सॉरी, नेक्स्ट बात करेंगे कम्युनिटी हो गया। अब बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। तो 0 0 0 इसका क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, आप 0 0 0 को इसको ऐड में करेंगे तो वापस ये ए ही दे देगा,
आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, राइट। तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो बड़ा सिंपल सा है। अब बात करें इस एन टपल का इनवर्स की बात करेंगे, तो ए वन ए टू ए एन, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, माइनस ए वन माइनस ए टू, ताकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, आइडेंटिटी जीरो जीरो आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, देखो ये देखा माइनस ए वन माइनस ए टू, राइट, है ना। ये बार पास इसको ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या करेगा, मतलब इनवर्स एलिमेंट भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी प्लस क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, राइट। इसमें बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और द वैक्टर एडिशन, है ना। तो वही यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा ले लेंगे यहाँ पे वैक्टर्स, और हम स्केलर ए ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ए ले लिया, सबसे पहले इन अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर ये ए इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो ए इन दोनों इस पे प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर इससे हो जाएगा, तो ये पूरा अलग चला जाएगा, राइट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये ए वन ए टू ए एन इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए वन फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट हमने सेकंड ले लिया, सेकंड यहाँ से ले लिया, यहाँ से ए कॉमन आ गया, यहाँ से भी ए कॉमन आ गया, इस तरह से। तो बिल्कुल ए अल्फा प्लस ए बीटा हो जाएगा, अल्टीमेटली ए अंदर चला जाएगा, तो ये ए अल्फा प्लस ए बीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा ओवर द वेक्टर एडिशन, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द मल्टीप्लीकेशन बाय वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द स्केलर एडिशन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये अल्फा दे रखा है ना, वी एन एफ है, और ए और बी बिलोंग्स टू हमारे पास क्या दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अल्फा निकालेंगे, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए अल्फा प्लस बी अल्फा हो जाए, क्लियर है, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं, राइट। तो वही सेम उसी तरीके से करेंगे, ए प्लस बी अंदर अंदर चला जाएगा, है ना। फिर ए प्लस बी ए वन, ए प्लस बी ए टू इस तरह से हो जाएगा। फिर इस ए वन को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर ये ए वन, फिर ए टू इस तरह से अलग हो जाएगा, फिर ये बी ए वन बी ए टू अलग हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देख रहे हो ये क्या, ए कॉमन आ रहा है, इधर से बी कॉमन आ रहा है, तो वापस ए अल्फा प्लस बी अल्फा हो जाएगा, राइट। तो बड़ा सिंपल है, इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे क्या दे रखा, द स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी अल्फा दे रखा है ना, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, एक्चुअली ए बी अल्फा ही होना चाहिए हमारे पास, ये तो हमने कर दिया था यहाँ पे, इसमें ए बी अल्फा है, दिस इज ए इंटू बी, है ना। ए बी अल्फा हम लेंगे तो ए इंटू बी, और ये अल्फा है, अल्फा हमारे पास ए वन ए टू दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, ए बी अंदर की तरफ जाएगा, तो ए बी अल्फा ए बी ए वन ए बी ए टू इस तरह से हो जाएगा, राइट। इसमें ये ए है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी ए वन ए बी ए टू, तो हमने क्या करा, यहाँ पे ए बाहर निकाल देते हैं, बी ए वन बी ए टू, इसमें क्या करेंगे, बी ए वन है ना, तो बी को भी आप बाहर निकालेंगे तो ये ए वन ए टू ए थ्री हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये ए तो बाहर आ गया, ए बी अल्फा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, है ना। तो बड़ा सिंपल है, आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। सुनिए यहाँ पे वन जो है वो यूनिट एलिमेंट होना चाहिए फील्ड का, है ना। तो हम जानते हैं फील्ड है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी यहाँ पे, है ना। तो वन डॉट अल्फा है, तो वन यहाँ पे वन ही लेंगे, ए वन एट स्टूडेंट वन अंदर चलाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हमेशा अल्फा के बराबर ही आएगा। तो वन डॉट अल्फा इज अल्फा, है ना। सिंस ऑल द पॉसुलेट्स ऑफ द वैक्टर स्पेस आर सेटिसफाइड, देखो यहाँ पे सभी मैंने सेटिसफाई कर दिया कि जो हम बात कर रहे थे वी एन एफ में, जो वी प्लस है उसके अंदर अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी जो थी वो हमने देखी यहाँ पे। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी देखी वैक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, तो लाइक इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इस एग्जांपल को देखिए, आप क्या बोल रहा है द क्वेश्चन, लेट वी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर आर इज फील्ड, शो दैट वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस और आर अंडर द फॉलोइंग एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट यहाँ पे ऑपरेशन दे रखा है, इस ऑपरेशन में आपको पता लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कि ये दो ऑपरेशन दे रखे हैं ना, ए डॉट बी प्लस सी डॉट सी कॉमा डी इज इक्वल टू जीरो बी प्लस डी। तो देखो आप सबसे पहले हम ये एक ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे, है ना, अल्फा वन प्लस अल्फा टू ए कॉमा बी, राइट। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे कि ये वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट अल्फा वन प्लस अल्फा टू अंदर की तरफ जाएगा, राइट। तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू ए एंड अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू बी, ये आ गया हमारे पास, राइट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे वापस ये ऑपरेशन हम इस तरह से लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ये इसको लेता हूँ मैं अल्फा वन ए कोमा बी प्लस अल्फा टू ए कोमा बी, तो इसके बराबर हो सकता है ये, है ना, इसे ए कोमा बी को अंदर ले लिया, राइट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ये अल्फा वन अंदर जाएगा, तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे अल्फा वन ए अल्फा वन बी, ठीक है ना, प्लस ये आएगा अल्फा टू ए कोमा अल्फा टू बी, क्लियर है, है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये वाला ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे, है ना, और ये वाला ऑपरेशन करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, है ना, कोमा जब इन सेकंड सेकंड ऐड हो जाएगा, है ना। तो सेकंड सेकंड ऐड होगा तो ये कितना होगा, अल्फा वन प्लस बी प्लस अल्फा टू प्लस बी। तो भैया आप देख रहे हो कि यही चीज़ की वैल्यू यहाँ पे ये आ रही, जबकि इसी को हमने इस दूसरे ऑप्शन की तरफ, मतलब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ रही, जबकि आनी क्या चाहिए, दोनों सेम आने चाहिए, और दोनों सेम नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। और इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये क्या होगा, वैक्टर, मतलब इस ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे ये वैक्टर स्पेस नहीं होगा। अगर, हाँ, कैसे होगा वैक्टर स्पेस, अगर यहाँ पे ये हो जाता है कि ए प्लस सी
कोमा बी प्लस डी, अगर ये ऑपरेशन ये हो जाता तो हम बोल सकते थे कि ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, राइट। पर यहाँ पे ये जीरो हो गया, इस वजह से यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस नहीं हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट। सो स्टूडेंट, मैंने जो यहाँ पे वेक्टर स्पेस का ज्ञान दिया वो आपको समझ में आया होगा, और स्टूडेंट मैं आगे भी वेक्टर स्पेस पे बहुत सारे वीडियोज लेके आने वाला हूँ। अब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ सब स्पेस के बारे में, कि सब स्पेस होता क्या है, एंड वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि कैसे हम किसी भी सेट को सब स्पेस यहाँ पे प्रूव करते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है, उस कंडीशन का प्रूफ है वो लेके आऊँगा मैं, देन बेसिस डायमेंशन और आगे हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, लास्ट में मेरी वीडियोस है, ये सी एस आई आर नेट की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं एप्टीट्यूड की वीडियोस करा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये मेरे मैथमेटिकल में फिजिक्स के अंदर या जो ग्रुप थ्योरी की वीडियोस है ये आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये मेरे दोनों चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जिस पर मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे नए चैनल पर आप जाके एप्टीट्यूड की वीडियोज़ देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये मेरा मेन चैनल है जिस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।